अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले देखने सुनने वालों को रमज़ान और मुबारक। आज मैं आपसे चाट की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो रमज़ान शरीफ में बहुत कम लोग बनाते हैं, और वही बनाते हैं जिनको इसकी अहमियत का पता है। सबसे पहले मैंने चने ठंड के लिए भिगोए थे और उनके बाद उनको मैंने नमक डाल के गला लिया है। पानी याद रहे कि इतना ही डाला था जो उसमें जज़्ब हो गया, एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला ताकि उसकी गज़ाइत ज़ाया ना हो। अब इन चनों को हम ठंडा कर लेते हैं। ये हेल्थ के हिसाब से बहुत ही अच्छी चने की चाट है जो आज तक शायद ही आपसे किसी ने शेयर की हो। ये घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, खून की कमी के लिए, आयरन की कमी के लिए और हर तरह की एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है और बहुत ही हेल्दी चना चाट है। इस रेसिपी के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रहे कि चने अच्छी तरह गलाने हैं, चने आपने कच्चे नहीं रखने। ये देख लें, मैं ठंडे करने के लिए चने एक स्टील का टप लिया है उसमें निकाल रही हूँ। और एक और टोटका है कि जब आप चने डिप करके रखें तो याद रहे कि उनको अच्छी तरह धो लें और उनको किसी स्टील के बर्तन में भिगो के रखें, क्योंकि इनमें आयरन होता है। प्लास्टिक के बर्तन में या किसी और बर्तन में बिल्कुल नहीं भिगो के रखें। और उसके अलावा इसको कम से कम 4 से 8 घंटे तक भिगो के रखें और उसी पानी में उबालें जिस पानी में आपने इनको सोक किया है। अगर वो आप पानी ज़ाया कर देंगे तो गज़ाइत ज़ाया हो जाएगी। ये चाट बनाने के लिए हमने काले चने लिए हैं। आप इनको काले चने भी कह सकते हैं और काबली चने भी कह सकते हैं। ये कहीं भी एशियन स्टोर से आपको मिल जाएंगे या इंडियन स्टोर से। अगर आप बैरून ममालिक में रहते हैं तो पाकिस्तान में तो अमूमन खुले मिल जाते हैं। ये देख लीजिएगा कैसे मैंने चने गलाए हैं। मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ, ये देख लें, ताकि चाट खाने के बाद आपके पेट में कोई किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और अच्छे से ये हज़म हो सकें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये चने उबाल के आप एक हफ्ते तक ये भी फ्रिज में रख सकते हैं, और साथ आप जो जो चीज़ें ऐड करना चाहें ऐड करके तो खा सकते हैं। ये देखिए, चने सारे मैंने टप में ठंडे कर लिए हैं, और उसमें गार्निश के लिए मैंने लीमू, टमाटर, खीरा, प्याज और हरी मिर्चें ले ली हैं जो कि काट ली हैं मैंने। अब चने चूँकि मेरे पास ज़्यादा हैं, 1 किलो चने मैंने गलाए थे, कुछ मैं रख लूँगी और कुछ मैं आज के लिए चाट तैयार कर लेती हूँ। कुछ चने ले लेंगे एक बाउल में। अब इनमें कटे हुए प्याज ऐड करेंगे, फिर टमाटर ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में काटने हैं। अब इसमें कटा हुआ खीरा ऐड कर देंगे, ज़्यादा काट लिया था इसमें, ज़रूरत ही ऐड करूँगी मैं। अब काली मिर्चें जाएंगी, ब्लैक पेपर। आप हसबे मनशा डालिएगा जितनी आप चाहते हैं। और चनों में ऑलरेडी साल्ट डाला हुआ है, ये मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। अब चाट मसाला और आमचूर डाला है, अब नमक डाल दिया है। अब हरी मिर्चें छोटी छोटी चॉप करके मैंने रखी थी वो मिक्स कर रही हूँ। अब और चने डाल लूँगी।
अब इसको गार्निश कर लेंगे कटे हुए लीमों के साथ, टमाटर के साथ और खीरे के साथ। बिल्कुल ही सिंपल सी चाट है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस पे अब नींबू निचोड़ लेते हैं, बाकी ज़रूरत के मुताबिक खाने वाले खुद ही निचोड़ लेंगे। ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। अल्लाह नगेबान, अस्सलाम वालेकुम।